कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं थी कि आप या कृष्ण पटेल जी या किसी ऐसे, ये आपकी चाह शायद नहीं थी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं थी ऐसी कोई चाह मेरी। आपने एक और आप जब बयान जब उनसे पूछा गया राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव से आपके बारे में, तो उन्होंने कहा जिसको वोट देना है दे, ना देना है ना दें, और अगर कोई नहीं देता है तो गिनती होती है और उसके बाद सदस्यता भी चली जाती है, तो कहीं ना कहीं एक एक्शन की भी बात सामने नजर आई है उनके बयान में। देखिए अब उनके बारे में क्या कहें, उनके बारे में जब श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी बहुत कुछ कह गए हैं तो अब मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं है। इससे आपको कोई आपत्ति नाराजगी कुछ ऐसी चीज? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से इस्तीफा दिया और उसके बाद देखा गया कि समाजवादी पार्टी के कई नेता उनका विरोध कर रहे थे तो वहीं कई लोग उनके सपोर्ट में आए, लेकिन उन्होंने एक बात जो कही थी कि एक राष्ट्रीय महासचिव के बयान को निजी बताया जाता है और दूसरे को पार्टी का बताया जाता है, जो आपके केस में भी, उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए मैंने पहले भी कहा और मैं पुनः कह रही हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत कद्दावर नेता हैं। एक लंबी जर्नी रही है उनकी सामाजिक न्याय को लेकर के, और जिस नारे के साथ हम चल रहे हैं कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी उस नारे का एक बहुत प्रमुख चेहरा हैं, और ऐसे में कहीं अगर पार्टी के अंदर उनके ऊपर अनर्गल बयानबाजी होती है तो जिस कद के वो नेता हैं उससे आहत होना स्वाभाविक है, और उनका जो डिसीजन है वो इसी के परिणाम स्वरूप है। आने वाले समय में आप या स्वामी प्रसाद मौर्य क्या पार्टी से अलग होने का सोच रहे हैं? देखिए पहले हम जब गठबंधन में आए तब भी ये निर्णय हमारे बड़े भाई अखिलेश भैया ने ही लिया था, और आगे भी हम गठबंधन का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे ये निर्णय भी वही लेंगे। आपकी तरफ से अभी और कोई चीज कहना कि जैसे पीडीए या उन्होंने जो अपने आप को कहा कि एमएलसी, तो उसके बाद आप वोट अब करेंगी कि नहीं करेंगी? देखिए जो लोग मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक बार जो मैं कमिटमेंट कर देती हूँ मैं उससे पीछे नहीं हटती। आपके वोट ना करने की वजह से जो तीनों कैंडिडेट की इक्वेशन है वो बिगड़ सकती है, नंबर ऑफ जो वोटर्स चाहिए होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के वो कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से शायद उनका एक राज्यसभा। देखिए अगर हम पीडीए के नारे को जमीन पे साकार रूप में नहीं उतारेंगे तो हमारा 2024 क्या बल्कि उससे आगे का भविष्य भी बिगड़ सकता है, तो ये बहुत अहम है।